आइए, हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, राइट? टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रिवीजन टेस्ट पेपर 2020। नए साल में नया पेपर अपलोड हो गया है जो मई 2020, राइट? रिवीजन टेस्ट पेपर ये मई वाला है, मई 2020, राइट? मई 2020 एग्जाम का इंस्टीट्यूट ने अपना रिवीजन टेस्ट पेपर दिया है, बोला है कि ये सब क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाइए जब आप एग्जाम देने जाते हैं, राइट? तो इसमें आप लोग देखेंगे दैट काफी सारा क्वेश्चंस एक नए तरीके से दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, जस्ट पिक द डाटा एंड डू इट। जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे आगे आगे, हम लोग देखते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन, राइट? स्टार्ट करें, आइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा रॉ मेटेरियल चैप्टर का है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, इट फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ब्ला ब्ला दे दिया है। 15 दिसंबर 2019 को हमने एक ऑर्डर किया था 10,000 का, फिर 30 दिसंबर को भी हमने एक ऑर्डर किया है 10,000 का, मतलब 10,000 मेरा ईओक्यू हो गया, साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है सबको? बिकॉज एवरी टाइम आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 10,000, इट मींस दैट इज माय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जनवरी में हमारा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जीआरएन हमने आपको बता दिया, इट्स गुड्स रिसीव नोट, जो आपने परचेज ऑर्डर किया था 15 दिसंबर को, उसका माल आपको 5 जनवरी को मिला है। तो इसका मतलब ये जो परचेज ऑर्डर से और जीआरएन का जो टाइम गैप है, इट विल बी द लीड टाइम। अच्छा, फिर आप लोग देखिए एक और जीआरएन है जो 30 दिसंबर को जो ऑर्डर किया था, वो वाला माल मिला है 12 जनवरी को। फिर हमने 7 जनवरी को एक और ऑर्डर किया है 010, उसका जीआरएन है 25 जनवरी को। इज दैट फाइन? हाँ, सो हम लोग लीड टाइम देखते हैं, लेट अस फर्स्ट सी द लीड टाइम। तो इससे हमको पता चल जाएगा परचेस ऑर्डर और जीआरएन का जो टाइम गैप होता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। सो नोट नंबर वन, लीड टाइम PO, the time gap between purchase order and GRN. राइट, अच्छा, मटेरियल रिटर्न रोड, मतलब हाथों हाथ अगर इंस्पेक्शन किया उसमें कुछ खराब निकला तो वो हाथों हाथ हम वापस कर देते हैं, इसलिए सेम डेट वापस हो गया है। फिर मटेरियल रिक्विजिशन, मतलब इतना हमने इश्यू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो देखिए 011, 012, 013, 014, 015, 016, तो हर एक इश्यू दिया हुआ है, तो इससे हमारा कंजम्पशन पता चल जाएगा हमें। क्या पता चल जाएगा हमें इसे? हमारा कंजम्पशन क्या पता चल जाएगा? कंजम्पशन पता चल जाएगा, खपत, राइट? जैसे 6 जनवरी को हमने मटेरियल रिक्विजिशन डाला 3,000 का, 10 जनवरी को हमने डाला है 4,500 का, फिर हमने 15 जनवरी को डाला है 2,200 का, 24 जनवरी को डाला है 1,500 का, राइट? ये सब दिया हुआ है मेरे को ना, ये सब क्यों दिया? बिकॉज दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। बचपन में हम लोग सम करते थे जहां पे हमको इजी वे में दे देते था लीड टाइम इतना से इतना, कंजम्पशन इतना से इतना, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो अपने को मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम निकालना है। 15
फिर मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन निकालना है, ईओक्यू हमें पता है, तो उस हिसाब से हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, ये तीनों चीज़ आ जाएगा। फिर हम लोगों को स्टोर लेजर बनाना है, स्टोर लेजर बना के फिर कॉम्पोनेंट यूज निकालना है और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, राइट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जाम में इतना कुछ आपको नहीं पूछेगा एक ही सवाल में। इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस मच क्वेश्चन। अगर ये पूरा 20 मार्क्स का हुआ तब आपको पूछ सकता है, राइट, लेकिन इतना कुछ नहीं पूछेगा। बट एनीवे अपने करते हैं, आइए तो देखिए ध्यान से। 15 दिसंबर से 5 जनवरी, फिर 30 दिसंबर से ये वाला माल आया है 12 जनवरी को, और फिर एक ऑर्डर हुआ है 7 जनवरी से लेके 25 जनवरी, राइट। तो इसमें मोटा मोटी अगर कैलकुलेट करेंगे, पहला ले लेते हैं और रिसीविंग डेट छोड़ देंगे, तो 15 दिसंबर से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी में 17 दिन, और 5 जनवरी को मिला है तो 5 छोड़ दो, जनवरी का 4 दिन, तो 21 दिन मेरा लीड टाइम आ रहा है। एक आ रहा है 30/12 से लेके 12 जनवरी, 30/12 से लेके 12 जनवरी, तो 30 और 31 दो दिन, और इधर मैं 12 छोड़ दो तो 11, 13 दिन। एक आ रहा है 21, एक आ रहा है 13, अच्छा। फिर एक हमने ऑर्डर किया है 7 जनवरी, 7 जनवरी से 25 जनवरी को माल मिला है तो 25 छोड़ देंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो मोटा मोटी हमारा आ रहा है 18 दिन। तो 21 आ रहा है, 13 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम लेना है, राइट। सो मैक्सिमम लीड टाइम होगा 15 दिसंबर 19 से लेके 5 जनवरी 2020, दैट इज 21 डेज, और मिनिमम लीड टाइम लेना है हम लोगों को 30 दिसंबर से लेके 12 जनवरी, दैट इज 13 डेज। नोट टू, उसी हिसाब से हमको कंजम्पशन देखना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से दिन है, देखिए तो कितने का है मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा, 011, 012, 013, 014, 015, 016, तो इसमें से 12 वाला कंजम्पशन मैक्सिमम है और 14 वाला कंजम्पशन एकदम मिनिमम है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन होगा 4,500 यूनिट, और हमारा मिनिमम कंजम्पशन है 1500 यूनिट, और एवरी टाइम एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 10,000, सो माय ईओक्यू इज 10,000 यूनिट, इज दैट फाइन। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोगों को क्या क्या बोला है, ROL दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, ऊपर निकाला हुआ हमारा 4,500,
मैक्सिमम लीड टाइम ट्वेंटी वन, सो 94,000 500 यूनिट्स. Right. Number two. Second आपको पूछा है. Maximum stock level. राइट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू आर ओ एल प्लस ई ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, दैट इज 94,500 प्लस 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 1,500 और मिनिमम लीड टाइम है 13, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ रहा है देख के बताइए फटाफट एकदम. सॉल्व करिए कितना आ रहा है. ब्रैकेट ओपन किया 1,500 × 13 ब्रैकेट क्लोज. तो ये आ रहा है मेरा 85,000 यूनिट्स. फिर मिनिमम स्टॉक लेवल राइट, दैट इज आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. सो आर ओ एल कितना बताइए, व्हाट इज आवर आर ओ एल. माइनस 4,500 और 1,500 का एवरेज कितना आएगा 3,000, और यहाँ पे एवरेज लीड टाइम आएगा 17 डेज. तो 3,000 × 17 दैट कम्स टू 43,500 यूनिट्स. ठीक है, इज दैट फाइन. अभी हम लोग को पार्ट फोर में बोला है स्टोर लेजर बनाने के लिए. राइट, तो अपने स्टोर लेजर बनाएंगे.
नाउ स्टोर लेजर खाली जनवरी 2020 का बनाने बोला है, ध्यान दीजिएगा, वेटेड एवरेज मेथड में। स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 ठीक है, पूरा फॉर्मेट बनाइए, हम लोगों ने किया है इसको। रिसीप्ट इश्यू बैलेंस राइट क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। नाउ यहाँ पे अमाउंट आप लोग थाउजेंड्स में रखिए, क्योंकि इतना सारा जीरो है ना, ठीक है, सो इट्स बेटर टू कीप अमाउंट इन थाउजेंड्स। इज दैट फाइन? और हम लोग यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा रहे हैं। तो सबसे पहला डेट क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बताइए, फर्स्ट जनवरी 20। इसको बैलेंस दिया हुआ है हमारा कितना, 3,500 यूनिट बैलेंस दे हैव गिवन अस। अच्छा, वेटेड एवरेज में अपने रेट नहीं लिखेंगे, सीधा उसको मल्टीप्लाई करो, कितना बोला है, 3,500 इंटू 9,810, 3,500 इंटू 9,810 डिवाइड बाई 1,000, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है, कितना आएगा, 3,435। तो आप लोग क्या करो, कैलकुलेटर में रेट जो है ना 9,810 है, तो उसको 9.81 ले लो, समझ आ रहा है ना सर, तो 3,500 इंटू 9.81 डन। अच्छा, अब उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ है बताओ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है My next transaction is on 5th of January. तो 5th of January 20 को 10,000 मेरे को मिला है, उसका रेट है 9,930। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, 99,300 राइट, अमाउंट सारे इन थाउजेंड्स हैं। इसी दिन हमने मटेरियल रिटर्न भी कर दिया, कितना, 500 मटेरियल रिटर्न कर दिया है राइट, रेट इसी परचेज ऑर्डर का है तो 9,930 लगेगा, तो करिए कितना आएगा बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो, 99,500 इंटू 9.93, समझ गया ना, मैं इसी को थाउजेंड में ले लिया, तो ये आएगा 496.5।
4965, ये हमारा आएगा 4965, इज दैट फाइन। अभी हम लोग फटाफट बैलेंस निकालेंगे, तो 3500 में 10000 जुड़ गया, 500 माइनस हो गया, तो बचा कितना 13000। अमाउंट में क्या करेंगे, 34335 में 99300 जुड़ गया, माइनस हो गया 4965, तो ये आएगा 128670, 128670। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, उसके बाद जनवरी के बाद में है, 5 जनवरी के बाद में, 6 जनवरी को हमने इशू किया है 3000, तो 3000 इशू किया, जो परचेज ऑर्डर होगा ना, थोड़ा बहुत रुपीज इन थाउजेंड के कारण में अप्रोक्सीमेशन आएगा दायां बायां, कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट। आइए, अभी अपने को 7 जनवरी को जो परचेज ऑर्डर हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट। सीधा आ जाएंगे अपने 10 जनवरी में, 10 जनवरी को वापस से इशू कितना हुआ है, मटेरियल रिक्विजिशन है 4500 का, रेट तो यही रहेगा ना, एवरेज निकालने से यही आएगा, करके देख लीजिए, तो 4500 इंटू 9898, क्योंकि बीच में और कोई परचेज है ही नहीं, तो 4500 इंटू 9898 डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट कम्स टू 44541,
ठीक है, तो बचा कितना, 5,500। 98976 माइनस 44541, सो दैट कम्स टू 54435। राइट, इज दैट फाइन? सो नेक्स्ट वी हैव, पहले का ऑर्डर किया हुआ माल मिल रहा है 12 जनवरी 2020 को, राइट, 10,000। अच्छा, ये ऑर्डर है 009, तो 009 में रेट क्या था, 9780, सो 97800। अच्छा, आज के दिन ही वापस से रिटर्न कर दिया 400, 9780 के हिसाब से, तो 400 × 9780 / 1000, 3912। तो बैलेंस कितना आएगा बताओ भाई, 5,500 था, 10,000 आया, माइनस 400 चला गया, 15,100। कॉस्ट में आएगा 54435 प्लस 97800 माइनस 3912, तो ये आ गया 148323। फिर अपना नेक्स्ट क्या है बताइए, 15 जनवरी और 24 जनवरी को दोनों को इशू हुआ है, 15 जनवरी को इश्यू हुआ है 2200। अब वापस से रेट निकालो, अब आएगा मेरा 148323 डिवाइडेड बाई 15,100 × 1000, तो 9823, तो 9823 × 2200 डिवाइडेड बाई 1000, तो 21611, तो बचेगा कितना, 12,900 और 148323 से माइनस 21611, तो 126712। फिर 24 जनवरी को वापस से इशू हुआ है 1500, भाव यही लगेगा 9823, तो 9823 × 1500 डिवाइडेड बाय 1000, 14735, तो बचा 11,400, तो ये आएगा 126712 माइनस 14735, सो 111977। इज दैट फाइन? टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट हेल्प इट, तो यू हैव टू डू इट। मैं चाहता तो मैं इस सम को फास्ट करा सकता हूँ, बट मैं एग्जाम वाला फीलिंग लेके आना चाहता हूँ आप में, क्योंकि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ बच्चे भी एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, आप मानो चाहे ना मानो, राइट? आइए, फिर 25 जनवरी 2020 को वापस से हमको 10,000 का माल मिला है, ये परचेज ऑर्डर 10 है, तो परचेज ऑर्डर 10 का रेट था 9750, तो ये आएगा 97500। अच्छा, आज के दिन कोई रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया 21,400।
राइट। सो ऐड कर दीजिए, इसमें मैं जोड़ दूंगा 97,500, तो 209,477। बस बेटे बस, थोड़ा सा बाकी है और आ जाइए। फिर 28 जनवरी 20 को इशू हुआ है और 31 जनवरी 20 को भी इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है बताइए? यहाँ इशू हुआ है 4,000, यहाँ पे हुआ है 3,200। वापस से रेट निकालूँगा, जो भी आ गया है 209,477 डिवाइडेड बाई 21,400 इंटू 1,000, तो 9,789 आ जाइए। तो 9,789 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 1,000, 39,156। तो ये आएगा क्वांटिटी में 17,400, दिस माइनस दिस, और ये आएगा 209,477 माइनस 39,156, 170,321, ये भी उसी में जाएगा। तो 3,200 इंटू 9,789 डिवाइडेड बाई 1,000, 313,25। तो बचा कितना? 14,200। राइट। तो 170,321 माइनस 313,25, तो 138,996, 138,996 देख लीजिए भैया। तो ये हमारा पूरा डिटेल में स्टोर लेजर है। इज दैट फाइन? बोलिए, सबको समझ में आ गया? अभी जो पार्ट फाइव बोला है उसमें इशू निकालने बोला है, तो ये इशू है, 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 है। ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था ये, कॉन्सेप्चुअल बनाना चाहिए था इस प्रॉब्लम को, तो दे शुड हैव गिवन यू सम एमसीक्यूज, राइट। सो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारा एरिथमेटिकल है और सी भी टेस्ट होता है। इस सम में ज्यादातर मेरा एरिथमेटिकल है और सी टेस्ट हुआ है, राइट। एनीवे, सो अपने को क्या करना है, पार्ट फाइव में वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली ऐड कर दो फटाफट एकदम, 29,694 प्लस 44,541 प्लस 21,611 प्लस 14,735 प्लस 391,56 प्लस 313,25, दैट कम्स टू 181,062। ये आ गया मेरा 181,062। अभी अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है, दैट इज कंज्यूम बाय एवरेज स्टॉक। सो 181,062 बाई एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लो,
34335 प्लस 138 996 जो भी आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 86666 तो ये आएगा मेरा 86666 इज इक्वल्स टू 181092062 डिवाइडेड बाय 86666 तो आ रहा है 2.09 वेरी स्लो मूविंग इज दैट फाइन सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टुक अस टू डू 36 मिनट्स राइट कम से कम 15 मार्क्स का तो होना ही चाहिए ये सम इज दैट फाइन सबको समझ में आ रहा है आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाओ लेबर का बहुत इजी सम है सेपरेशन रिप्लेसमेंट न्यू रिक्रूटमेंट फ्लक्स वेरी इजी चलिए आंसर टू लेबर टर्नओवर रेट्स तो सबसे पहला हम लोगों को बोला है सेपरेशन मेथड दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200 तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना है ध्यान से देखिए 20 प्लस 120 160 बाय एवरेज एवरेज पहले नीचे पर निकाल लो नोट नंबर वन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा 3600 प्लस 3790 बाय 2 कितना आ रहा है 3695 इज दैट फाइन सो यहां पे .33% उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड रिप्लेसमेंट मेथड नाउ रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस तो टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है
ध्यान से देखिएगा, 350 का, जिसमें से 150 वे रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स तो 150 बाई 3695 इन 200, कितना आ रहा देखिए, 4.06%। इतना टाइम नहीं है बेटा ये सब चीज़ में, 5 नंबर का आएगा ये। न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एक्सक्लूडिंग रिप्लेसमेंट बाय एवरेज, तो 350 में से 150 चला गया, तो 200 बाई 3695 इन 200 सो 200 डिवाइड बाई 3695 5.41, और जो फ्लक्स मेथड है ना उसको हम लोग तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली जॉइंड इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, राइट, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200। तो सेपरेटेड 160 और ये 350 बाई 3695 इन 200, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 13.80%। या इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो भी 13.80 ही आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास था नहीं, इस टाइप का सम्स हम लोग काफी किया है क्लास में, राइट, तो दिस इज इजी।